Good morning, student. Today we will read a poem, A Lesson Learned. Read this poem. इस poem को पढ़िए about a little boy जो कि एक छोटे से लड़के के बारे में है who learns something valuable जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सीखता है when he breaks his favorite toy जब वो अपना पसंदीदा खिलौना खो देता है या फिर उसका पसंदीदा खिलौना टूट जाता है. The rain stopped, the sun peeped out. बारिश रुक चुकी है और सूरज झांकना शुरू कर देता है यानी बादलों से. द मेरी चिल्ड्रन प्लेड बच्चे खुशी से खेल रहे हैं. द बर्ड्स चिप्स चिड़िया चहचहा रही हैं. द लीव्स शोन ब्राइट और पत्तियां चमक रही हैं. अ प्रेटी पिक्चर्स ऑल मेड ये सब मिलकर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बना रहे हैं. मतलब ये सब बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है जिनसे एक सुंदर पिक्चर बन रही है. बट वन स्टेड होम लेकिन उनमें से एक घर पर ही रुका हुआ है. एंड क्राइड अवे और रो रहा है फॉर द हैड ब्रोकन हिज टॉय क्योंकि उसका खिलौना टूट गया है. नन कुड कंसोल हिम इन हिज ग्रीफ उसके इस दुख में शायद उसको कोई भी कंसोल नहीं कर पा रहा है, कोई भी संतावना नहीं दे पा रहा है, कोई भी तसल्ली नहीं दे पा रहा है. फॉर इट अलोन हैड ब्रॉट हिम जॉय जो कि इसको अकेले में बहुत खुशी देता था वो खिलौना टूट जाने की वजह से इसको बहुत दुख हो रहा है. सो मदर सेड इसलिए मम्मा कहती हैं डोंट क्राई माई बॉय मत रो मेरे प्यारे बच्चे. फाइन टॉय इट वॉज आई एग्री मैं मानती हूँ कि ये खिलौना आपका सबसे अच्छा खिलौना था. लेट दिस बी अ लेसन फॉर यू लेकिन ये आपको एक बात सिखा कर गया है. नाउ यू लिसन टू मी अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो. वट इज डन कैन नॉट बी अनडन जो हो चुका वो अब वापस सही नहीं हो सकता है यानी जो गुजर गया वो गुजर गया. वट गोज डजंट रिटर्न वो वापस होने वाला नहीं है. सो टेक केयर ऑफ ऑल दैट यू हैव तो तुम्हारे पास अब जो खिलौने बचे हैं तुम उसकी पूरी देखभाल करो. एंड टू वैल्यू देन यू मस्ट लर्न और तुम्हें उन सब के महत्व को सीखना होगा. वो भी सब इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना तुम्हारा ये वाला टॉय इम्पॉर्टेंट था. तो अ लेसन लर्न एक पार्ट जो हमने इससे सीखा कि हमें हमारी उन सभी चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए जो कि हमारे पास हैं. थैंक यू.